हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्वेता, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आशा करती हूँ, बस इसीलिए आप लोगों से पूछती हूँ कि आप कैसे हैं, तो अपना रिप्लाई ज़रूर दिया करिए। और मम्मी यहाँ पे बना रही हैं आज साबूदाने की तहरी, खिचड़ी जो भी आप बोलते हो वो, मतलब ब्रेकफास्ट में आज बनने वाला है साबूदाने की तहरी और साथ में है गाजर का हलवा। तो हम लोग करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट। मैं शार लेकर के आ चुकी हूँ, तो मैंने देखा मम्मी यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो अपना वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस यहाँ हम दोनों अब ब्रेकफास्ट करेंगे, जिसमें कि साबूदाने की तहरी और ये गाजर का हलवा हो जाएगा। आइए आप भी हमारे साथ गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाइए और साबूदाने की खिचड़ी भी खा लीजिए। तो चलिए हम लोग चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैं यहाँ पीहू को पहले गाजर का हलवा खिला रही हूँ। पीहू ने फर्स्ट डे तो बहुत अच्छे से हलवा खा लिया था, तो मम्मी ने कहा देखो पीहू खा ले तो पहले आप तुम उसे खिला दो, तो वही उसे मैं खिला रही थी, बट वो नहीं खाई। तो मैंने कहा देखो मैं खा ले रही हूँ तुम्हारा गाजर का हलवा, तो बस फिर भी वो मानी नहीं, शायद उसका मन नहीं था आज गाजर का हलवा खाने का, इसीलिए तो मैंने ही उसका गाजर का हलवा खा लिया है। और अब मम्मी चाय बना चुकी हैं, तो अब हम लोग बैठ करके चाय पी रहे हैं। मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने जो गिव अवे ऑन किया था, मतलब गिव अवे ओपन किया था, उसका मैं कब अनाउंसमेंट करूंगी जो विनर हैं। तो मैं बहुत जल्दी विनर का अनाउंसमेंट करने वाली हूं, क्योंकि अभी मैं मायके आई थी इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी थी, बट मैं सोच रही हूं कि मैं बहुत जल्दी आपको कल या परसों में ही बता दूंगी कि विनर कौन है। तो आप लोग अपना एड्रेस और अपना अपना नाम मेरे को भेज दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सुबह से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था, बस जैसा कि आपने देखा हम लोग का ब्रेकफास्ट हो रहा था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बनाया। और अभी मैं जा रही हूँ अपने कुछ काम से, तो मैं आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में बता दूंगी मैं किस काम से जा रही हूँ, तो इसलिए अभी मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी। बस मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, उसके बाद मैं निकलूँगी। और मैंने ये गर्म वाली वूलन कुर्ती पहनी है, तो चलिए मैं होकर के आती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब मैं वापस अपने घर को जा रही हूँ, जिस काम से मैं गई थी वो मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, तो मैं आपसे मिलूँगी सीधे घर चल के। चलिए मिलती हूँ आपको घर आकर के। घर आ गई हूँ और मैंने देखा कि पीयू यहाँ पे अपनी नानी और नन्नू के साथ बैठी खेल रही थी और अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। मैं उसको छोड़ के गई थी, मैं पापा के पास गई थी उनके ऑफिस, उन मुझे कुछ काम था इस वजह से। तो चलिए मैं आपको कैमरे के आगे आकर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी घर वापस आ गई हूँ और जो काम मैं कराने गई थी वो मेरा काम हो गया है ऑलमोस्ट, बट पूरा नहीं हुआ है, तो उसे
कुछ भी टाइम लगेगा। और अभी हम लोगों के लंच का टाइम हो गया है, टाइम हो रहा है 1:45, तो अब चलिए लंच करते हैं। लंच में आज मम्मी ने बनाया है निमोना। निमोना जानते हैं आप लोग? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो निमोना जानते हैं? जितने भी यूपी के सब्सक्राइबर हैं मेरे, वो सब निमोना के बारे में जानते होंगे। मटर की सब्जी बनती है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आजकल मम्मी वही चीज़ें बना रही हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं नहीं बना पाती हूँ वो सब चीज़ें, क्योंकि इन लोगों को पसंद भी नहीं है। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद हैं, क्योंकि मैंने तो वो बचपन से खाई है बट उन्होंने नहीं खाई है, तो उनको नहीं भी अच्छा लगता इसलिए। और अब मैं लंच करूँगी निमोना, चावल रोटी और साथ में बढ़िया चटपटी चटनी। और चलिए फिर अब ना लंच करते हैं। और मैं आप लंच का मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं कुछ काम से बाहर चली गई थी, उस बीच में मम्मी ने लंच प्रिपेयर कर लिया था। और लेकिन मैं आपको लंच दिखाऊंगी ज़रूर कि मैं क्या खा रही हूँ। तो ये पीछे इधर बिस्तर रखे हुए हैं, तो इसको इग्नोर करिएगा क्योंकि आजकल सर्दी का टाइम है, तो काफ़ी सारा वूलन बिस्तर निकला हुआ है, ब्लैंकेट एंड ऑल। तो चलिए फिर लंच कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ हमारा यम्मी यम्मी लंच तैयार है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने आपको बताया कि मम्मी आजकल वही चीज़ें बना रही हैं जो कि मुझे पसंद है। तो मायके में आकर के मैं मायके का पूरा सुख उठा रही हूँ। आप लोग कितने लोग हैं जो इस बात से एग्री करते हैं कि मायके में आने के बाद वो सारे सुख मिल जाते हैं जो कहीं नहीं मिलते हैं? तो बस, और ये देखिए शाम हो चुकी है और हम लोग आ गए हैं मार्केट। मम्मी को कुछ मुझे सूट और कपड़े भी दिलाने थे, इस वजह से मैं शॉपिंग के लिए हम लोग बाहर आए थे। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं मम्मी के एक फ्रेंड के घर पर, तो हम लोग उनसे मिलने के लिए आए हैं। वो मेरे को बहुत दिनों से बुला रही थी कि मैं आई हूँ फतेहपुर, तो मैं उनसे मिलने भी उनके घर आ जाऊँ, इसलिए हम लोग सब लोग आए हैं। और ये सारा जो ग्रुप आप देख रहे हैं ये मेरी मम्मी की फ्रेंड्स हैं, और यहाँ पे उन्होंने बहुत यम्मी यम्मी सा नाश्ता भी करवाया, और जो लड्डू बनाए थे वो तो बहुत ही टेस्टी थे, अलसी के लड्डू थे। मेरी मम्मी ने अलसी की बर्फ़ी तो बनाई थी, वो भी मैं आपको आगे आने वाले व्लॉग में दिखाऊँगी। और यहाँ पर आंटी ने बनाया था अलसी के लड्डू, वो भी बहुत टेस्टी थे। तो हमारे साथ पीहू भी गई थी और पीहू ने भी बहुत इन्जॉय किया, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ यहाँ पे, तो एक यादगार हो जाएगी, और इसीलिए बस मैंने उसको आप लोग के साथ भी शेयर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी अभी हम लोग घर वापस आ गए हैं, और अब मैं चेंज वेंज करने जा रही हूँ। और आज मैंने ये वाला सूट डाला था जो कि आपने पूरा फ्रंट कैमरे से तो मैं नहीं दिखा पाई हूँ, बट कभी फिर और होगा तब मैं आपको दिखा दूँगी। और चलिए फिर अभी हम लोग चेंज वेंज करते हैं, उसके बाद फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी हम लोग घर वापस आ गए हैं और पापा ऑफिस से आए हैं, वो मेरे लिए लेकर के आए हैं गुजिया, वो भी जो पगी हुई गुजिया होती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो समोसा, गुजिया, जलेबी, ये सब सारी पसंद की चीज़ें आजकल खाई जा रही हैं। वैसे खाने को सब जगह मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मायके का जो प्यार होता है, मायके का जो सुख होता है, उसकी बात ही अलग होती है। जो मम्मी पापा आपके लिए करते हैं वो कोई नहीं ऐसा कर सकता। तो वो पापा मेरे लिए याद कर करके वो सारी चीज़ें ले करके आते हैं, मम्मी वो सारी चीज़ें बनाती हैं जो कि मुझे पसंद है। और मैं यहाँ पे पीहू को भी खिला रही हूँ कि देखो कितनी टेस्टी गुजिया है, तो वो भी खा रही है, उसे भी अच्छा लग रहा है। मैं मम्मी से पूछ रही थी आप खाएंगी, वो बोली नहीं। तो बस मम्मी यहाँ पे कुछ काम कर रही थी बैठ करके, और मैं, पीहू और मैं, हम दोनों लोग खा रहे थे गुजिया। अभी बस मैंने खा लिया है, और हम लोग जो गए थे तो थोड़ा बहुत मेरा सामान फैला हुआ था, पीहू के भी कपड़े थे, मेरे भी, तो वही सब मैं समेट रही हूँ, अब मेरा बैग है। तो अभी डिनर का टाइम हो चुका है, और मम्मी आज यहाँ बनाने जा रही हैं मिक्स पराठे, मतलब कि गोभी, आलू, गाजर, सब कुछ मिक्स करके पराठे बनाने जा रही हूँ। तो वही मैंने थोड़ी सी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करी है। वैसे आपने पहले भी मेरे व्लॉग में बहुत सारे पराठों की रेसिपी देखी है, तो बस इसीलिए मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया कि हम लोग क्या डिनर पर करने वाले हैं। चलिए फटाफट से हम लोग डिनर करेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपसे डायरेक्ट डिनर करने के बाद मिलती हूँ।
तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों का डिनर हो गया है और आज बने थे मिक्स पराठे, जो कि काफ़ी अच्छे यम्मी से बनाए थे मम्मी ने और बहुत अच्छे लगे, तो वो हम लोग ने हरी चटनी से खाए हैं। और अब बस हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे, बातें बातें करेंगे, तो चलिए साथ में चलते हैं, मूंगफली खाते हैं। बहुत दिन हो गए हैं साथ में मूंगफली खाए हुए, वो भी हरे नमक से। तो आप लोग में से कितने लोग हैं जो हरे नमक के साथ मूंगफली खाते हैं? मतलब बहुत सारे लोग हैं, मतलब मेरे ससुराल साइड में तो गुड़ रेवड़ी पट्टी से खाई जाती है मूंगफली। आप लोग किस चीज़ से खाते हैं बताइएगा कमेंट करके। तो मम्मी यहाँ पे मूंगफली लेकर के बैठी हैं और पापा कुछ अपना फ़ोन में देख रहे थे। पीहू भी यहाँ पे बैठी है, मैं आ गई हूँ और हम लोग, डिनर तो हो ही चुका है, बस लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा मूंगफली खाएंगे, बातें बातें करेंगे और टीवी चल रही है, तो अभी हम लोग मूंगफली खा रहे हैं। आइए आप ही हमारे साथ ज्वाइन करिए और गप्पे शप्पे मारेंगे, कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर, मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बोला था। तो बस चलिए अब यहाँ पर हम लोग खा लेंगे मूँगफली, उसके बाद मैं मिलूँगी आपको। ये व्लॉग मैं यहीं फिनिश कर देती हूँ और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में कल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। और हाँ, व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करें बगैर मत जाइएगा। मेरे व्लॉग्स आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।